नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, अभी हम ग्रेटर नोएडा के उद्योग विहार में मौजूद हैं। यह कंपनी है BL इंटरनेशनल और यहां पर कुछ वर्कर मौजूद हैं। इनका किन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, चलिए इनसे जानते हैं क्या मांगे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है कन्हैया लाल। कन्हैया, क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है आज? सर, यहाँ पर 14 अप्रैल को एक लेडीज और एक जेंट्स में किसी बात पर झगड़ा हुआ, केले के छिलके के ऊपर। जो जेंट्स था, जो मास्टर था लाइन का, उसने कहा कि केले के छिलका थोड़ा बाहर फेंक दो उठा के। इसी बात पर उस औरत ने उसको थप्पड़ मारा। हमारे जो बियर, उसमें बियर का जो वर्कर था, तो इस बात को लेकर वो महिला थी, वो HR वालों के पास गई। उस HR वालों ने उनको एक पुलिस केस बना के हमारे जो लीडर थे धर्मेंद्र जी, उनको अरेस्ट करा दिया, उनको थाने भेज दिया। सर, हम इसी बात को लेकर हम एक दिन फिर धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने के बाद हमारे फिर दूसरे दिन पर 7 बंदे हमारे वापस निकाल दिए गए। सर, सस्पेंड कर दिए सर। तो सर, हमारा यही धरना यही है कि यहाँ पर हमारे जो 7 बंदे हैं वो वापस लिए जाएं और हमारी मांगें पूरी हों। और सर, यहाँ पर जो है अभी 4-5 दिन पहले BL प्रबंधक ने और HR मैनेजमेंट ने बाहर से गुंडे बुलाकर महिलाओं के साथ मारपीट की। 2-3 महिलाओं को चोट आई, जो जिन्हें बिसरक थाना में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी वो महिलाएं मौजूद हैं जिनको चोट आई थी? जी हाँ। अच्छा, अभी मौजूद हैं आप? जी। अच्छा, तो वो जो महिला थी वो भी आपके साथ ही काम करती थी? जी सर। जी सर, सुनने में भी आ रहा है कुछ लोग फैक्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। जी हाँ। जी सर, सर वहाँ पर जो लोग जो फैक्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, सर वहाँ पर ज़्यादा तादाद नहीं, उनके सर 12-13 लोग हैं जो सिर्फ फिनिशिंग में काम करती हैं महिलाएं। सर, उनको बस बेला फुसला करके हम लोग आपकी सैलरी टाइम से दे देंगे और आपको हम थोड़ा सैलरी बढ़ा देंगे, इसी लोभ लालच में वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी यही मांग है कि हमारे जो 7 बंदे हैं जो बाहर निकाले गए हैं, जो निलंबित किए गए हैं, हमारे 7 बंदे वापस लिए जाएं। हमारी यही मांग है। जी ठीक है। क्या नाम है जी आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी? हाँ जी, लगता है हम एक रहेंगे तो मांगे पूरी होंगी। कब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा ये? जब तक उन्हें वापस न लिया जाएगा। और क्या क्या मांगे हैं? बस यही मांगे हैं, हमारा पैसा मिलना। जो इन्होंने बिना नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के निलंबित कर दिया है, पहले नोटिस देना चाहिए, पहले बताना चाहिए भाई हमें क्या नाम है, इन बंदों को हमें ये परेशानी है, तो क्या नाम है निकालेंगे। इन्होंने बिना नोटिस के इनको बाहर निकाल दिया, तो हमें कम से कम बताना चाहिए पहले। तो जब तक हमारे सारे के सारे साथी वापस नहीं ले जाएंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नकुल। नकुल, क्या लगता है मांगे मानी जाएगी नहीं मांगी जाएगी? देखिए सर, अगर हम एकजुट रहेंगे तो मांगे हमारी बिल्कुल पूरी होंगी, और हम एकजुट हैं, धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। तो पूरा दिन रात यहीं बैठे रहते हैं या सिर्फ नौकरी के टाइम तक बैठे रहते हैं? 6-7 बजे तक वहाँ पर रहते हैं, सुबह को 6-7 बजे उपस्थित हो जाते हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं वैसे? आपकी ये जो मतलब जो हमारे बंदे टर्मिनेट किए, जिनको निलंबित किया गया, उन्हें वापस ले लें, हम मशीनें चालू कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? महिलाएं भी मौजूद है, सुनने में आते कुछ महिलाओं के साथ बाउंसर बदतमीजी की थी, क्या हुआ था उस दिन? वही बाउंसर हम गेट पे हर रोज के जैसे खड़े थे और हमारे स्टाफ बाउंसर लेके आए, हम चिल्लाते रहे, पुलिस भी साथ थी, तो हम बोलते रहे कि हमारे कंपनी के बंदे नहीं है, ये अंदर क्यों जा रहे हैं, तो फिर ऐसे धक्के दे के हमें अंदर कर रहे थे, ऐसे धक्के धक्के में फिर अंदर ही अंदर फैटाफैटी भी हो गए। हम पुलिस वाले को भी बोलते रहे सर ये हमारे कंपनी के बंदे नहीं है, नहीं है, फिर भी वो लोग ऐसे ही धक्का मुक्की करें। हमें भी चोट आई थी, पहले तो हम काशीराम में गए एम्बुलेंस में, कभी हो सकता मुझे नहीं पता, फिर मैं एम्बुलेंस वहाँ गई काशीराम में, हमें 2 सूई हुई लगी दवा। अच्छा, आपके साथ ही हुई थी? फिर हमने काशीराम में गए, यहाँ वहाँ पे मेडिकल हम वो बनाने की कोशिश की है, फिर वो काशीराम में हमारा मेडिकल नहीं बना, फिर हम बिसरख गए हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पे भी मना हो गया, फिर हमने पुलिस चौकी से चिट्ठी लिखवाई, फिर हम अपना मेडिकल बनवाए। सर, हमें कोई सुनवाई नहीं, हम इतने धूप में, हम 16 तारीख से ही बैठे हैं, हमें क्या शौक है, हमारे बच्चे फैमिली ना है, हम ड्यूटी करने नहीं चाहते हैं, हमारी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, हमारे सारे स्टाफ को अंदर बंदे, बस हमारे GM है जो मान नहीं रहे, वो पहले एक बंदे को निकाल रहे थे, फिर 7 बंदों को निकाल दिए, आप बताइए हम कैसे काम करें? 21 से तो फिर धरने में 7 कर दिए घटा के, अब 7 पे ही अड़े हैं कि अब 7 बंदे को निकालेंगे, जो कि हमारे बंदे हमारे लिए वो सुनते हैं, जो आपके लीडर हैं वो। हाँ जी, हमारे मतलब यहाँ पे यूनियनबाजी खत्म करना चाहते हैं, तो ये जब खत्म करना था तो ये पहले बार ही खत्म कर देते, पहले बार तो हमारा सारा मांग पूरी हो गई, हमारी यूनियन थी, पर इस बार जो हमारे नए GM आए हैं वो यूनियन खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं ये? जिस महिला के साथ उसका विवाद हो, तो महिला अंदर अभी भी नौकरी करती है? नहीं सर, उन्हें तो कुछ लाभ मिला के कैसे करके उन्हें घर बैठा दिया गया। बात बस यही है सर, केले के छिलके मतलब डाल के लाइन में डाल दिया गया था, जो हमारे धर्मेंद्र है वो ये बोले
कैसे नीचे डाल दी केले के छिलके, पैर फिसल गया किसी बंदे को, तो वो बोली तू ज्यादा सफाई कर्मी बन रहा है, तू उठा के डस्टबिन में डाल दे। ऐसे करते करते भाषा बसी हो गई उन दोनों में, फिर गारे गलौज हुआ, फिर वो एकदम से चाटा मार दी। पहला चाटा मारी तो वो बंदा कुछ नहीं करता, दूसरा चाटा मारी तो वो रोक दिया। कोई भी इंसान पीटेगा तो हाथ पकड़ेगा ही। फिर वो आचार्य में आई, फिर इसी बात को बढ़ा के आगे कर दिया गया, फिर उसे थाना भेज दिया गया धर्मेंद्र को। फिर हमने उन्हें छुड़ाया, फिर हमने एक दिन ड्यूटी करी, फिर जब उसे कंपनी में कैमरे वगैरह तो लगे होंगे ना? हम तो कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं अगर धर्मेंद्र में गलती है तो अपने कैमरों को चालू करो और उनकी गलती को देखो, क्या गलती किया है बंदा, उस पर जांच पड़ताल करो, जो मर्जी उसे टाइम दो, 10 दिन दो, 1 हफ्ते दो। ऐसे एकदम से 7 बंदे को कैसे हटा सकते हैं? 7 बंदे रह गए, कितने बंदे? 7 बंदे इन्होंने बोला कि हम 7 बंदे को बाहर रखेंगे, बाकी को अंदर लेंगे। संख्या तो ज्यादा थी, 21-22 थी। किस करे हटा दी है, बात ये किसी को नहीं जाते, लेकिन मजबूरन को लेना पड़े। और एक गर्भवती महिला की भी चोट लगी, एक गर्भवती महिला की चोट लगी थी, उसकी जो हालत सही नहीं थी तो उसके ससुराल वाले उसे घर पे ले गए। तो जिस महिला की चोट लगी थी वो कंपनी के द्वारा जो बाउंसर आए थे उन्होंने मार दिया है। आपके पास वीडियो आपने देखा है, क्या हुआ था उस दिन? ये लोग ये वीडियो में देखा, उस दिन बताओ पहले हुआ क्या था। हुआ क्या था, उस लेडीज ने पेट पे चोट मारी गई, ठीक है, तो वो बेचारी बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद हमारी जो महिलाएं बहन जी है, माता बहन है, उन्होंने उनकी सेवा की, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस के उनके ले जाएगा। क्या लगता है पुलिस आपकी सहायता कर रही है, नहीं कर रही है? जब हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे कंपनी के बंदे ना है, तो देखना चाहिए प्रशासन को कि मारपीट हुई है, वो आज भी अंदर है, बाउंसर अभी भी अंदर है। पुलिस वालों का ना ईमान स्वाभिमान दिख चुका है, सच बताएं, बाहर के बंदे आ रहे हैं तो पहले से पहले रोकना चाहिए, ये खड़े खड़े ऐसे देख। यहाँ अनाउंसमेंट भी किया गया था, आप लोगों के सामने हुई सब नहीं। तो दर्शकों, यह BL International के वर्कर थे। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी उनकी मांगे पूरी करती है नहीं करती।